कुछ करना चाहिए। आम आदमी पार्टी 15 दिसंबर से पूरे हरियाणा में एक बदलाव यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसका मेन स्लोगन होगा कि इब हरियाणा के लाल को एक मौका केजरीवाल को। और 90 की 90 विधानसभाओं में से होती हुई ये यात्रा 10 लोकसभा से होती हुई पूरे प्रदेश में घूमेगी और 15 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक ये यात्रा पूरे हरियाणा में पूरे कार्यकर्ता पूरे पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और ये चारों दिशाओं से चार जगह से चलेगी। जैसे सिरसा से जो यात्रा निकलेगी उसका नेतृत्व डॉक्टर शोभतावर जी करेंगे, जो फरीदाबाद से यात्रा निकलेगी उसका नेतृत्व हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी करेंगे और जो कालका से यात्रा निकलेगी उनका नेतृत्व चौधरी निर्मल सिंह जी करेंगे और महेंद्रगढ़ से जो यात्रा निकलेगी उनका नेतृत्व अनुराग डांडा जी करेंगे। और ये चारों दिशाओं से होती हुई ये यात्रा, जैसे जो सिरसा वाली है वो भिवानी में जाके समापन होगा इसका, जो महेंद्रगढ़ से निकलेगी उसका कैथल में समापन होगा, फरीदाबाद से जो यात्रा चलेगी उसका समापन जींद में होगा और कालका वाली जो यात्रा है उसका समापन जाके कैथल में होगा जी। और पूरा दिन ये यात्रा चला करेगी और रात के समय का जो ठहराव होगा यात्रा का, वो ठहराव गांव में ही होगा, जिस गांव में जाकर रात पड़ेगी उसी गांव में पूरे साथी हम रुका करेंगे जी। और पूरे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश को जो ये बदहाल व्यवस्था इस सरकार में है लोगों को उसके बारे में अवगत कराएंगे, जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बुरा हाल है उसके बारे में पूरे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश की जनता को हम जागरूक करेंगे। और बाकी की कार्रवाई कुलदीप समय अवधि कह रहे हैं यात्रा की, कितने समय में कहां तक का रूट तय करेगी, कब तक क्लियर हो जाएगी, कितने दिन का ये प्रोसेस रहेगा यात्रा का? हमारी जो यात्रा शुरू होगी 15 दिसंबर से 24 दिसंबर को उसका समापन होगा, जैसे मेरे जिलाध्यक्ष जी ने बताया। आदरणीय डॉक्टर शोभतावर जी सिरसा से यात्रा का नेतृत्व करेंगे, आदरणीय श्री अनुराग डांडा जी महेंद्रगढ़ से करेंगे, आदरणीय श्री सुशील गुप्ता जी फरीदाबाद से चलेंगे, आदरणीय चौधरी निर्मल सिंह जी कालका से चलेंगे। और ये अलग अलग चारों दिशाओं से शुरू होकर अलग अलग जगह इसका 24 तारीख को समापन होगा। ये हम संदेश लेकर जाए कि बार हरियाणा के लाल श्री अरविंद केजरीवाल का संदेश जन जन तक पहुँचाने का, हर विधानसभा को हम टच करने का कार्य करेंगे और लोगों को बताएंगे। जैसे 30,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 1585 स्कूलों के में अभी तक हमारे हरियाणा में हरियाणा नंबर वन की बात करते हैं आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, 1585 स्कूलों में अभी तक शौचालय का इंतजाम हमारे हरियाणा में नहीं हुआ, 131 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, 236 बिजली के कनेक्शन नहीं है स्कूलों में, 8240 कक्षाओं की कमी है स्कूलों में, चिकित्सा स्वास्थ्य, इन सब बातों को लेकर हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और बताएंगे कि जो 9 साल में आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी की सरकार ने प्रदेश में प्रदेश के लोगों का कितना बुरा हाल कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा लो, रोजगार के क्षेत्र में लगा लो, और हर क्षेत्र में बुरा हाल है, चाहे नशे की बात कर लो, पिछले 21 और 22 का आंकड़े है, इस आंकड़े के हिसाब से 37,88 हमारे नौजवान बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, रोजगार के मामले ले लो, रोजगार देने की बात कर रही थी सेंटर सरकार बीजेपी 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो नहीं आए, किसान की आय दुगनी करेंगे, दुगनी की वजह किसान का कर्जा दुगना कर दिया, किसान की आय दुगनी हुई किसान का कर्जा दुगना कर दिया, इसी हिसाब से चाहे मजदूर के ले लो, मजदूर के पास काम नहीं है, दुकानदार खाली बैठे हैं, महंगाई इतनी होगी देश में और प्रदेश में आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए, हरियाणा नंबर वन बेरोजगारी में, हरियाणा नंबर वन महंगाई में, हरियाणा नंबर वन क्राइम में, हरियाणा नंबर वन नशे में, हर तरीके से जब बीजेपी आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार विफल सरकार हुई है, ये सारी बातें लेकर हम पब्लिक के लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे। जैसे 70-75 साल से लोगों ने जो सभी पार्टियों का ढांचा देख लिया, हम गांव में जाते हैं, हमारे जो भी प्रोग्राम पार्टी के आते हैं अभी हम सब साथी गांव से निकल के आए हैं, गांव के प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, कार्यक्रम बूथ वाई बूथ और गांव बाई गांव जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें भी हम सारी बातें बताने का लोगों को काम कर रहे हैं। एनएलओ ने भी परिवर्तन यात्रा निकाली, एनएलओ ने भी कार्य बताए थे, सरकार पे कटाक्ष किए थे यात्रा में, उसी यात्रा की तरह से अब आपकी आम आदमी पार्टी की यात्रा प्रोसेस भी वही है,
क्या कुछ मान के चले कि एनएलओ की परिवर्तन यात्रा कितना परिवर्तन हुआ, आपकी यात्रा थी उससे क्या परिवर्तन देखने को मिला? एनएलओ की जो परिवर्तन यात्रा थी वो फ्लॉप यात्रा थी। पहली बात तो हम पूछना चाहते हैं एनएलओ सुप्रीमो से, जैसे आज एनएलओ सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चौधरी अभी चौटाला को रैली में पिछली में आपने देखा और बता दिया, उनसे पूछना चाहते हैं। उन्होंने हर जगह यही बात करी कि पद यात्रा निकल रही है एनएलओ की, पद यात्रा तो कहीं नहीं थी, वो तो गाड़ी की यात्रा थी, गाड़ी में बैठ जाते थे, गांव में आके उतर जाते थे। तो आप पैदल चलेंगे? हमारे नेता पैदल चलेंगे, हम भी पैदल चलेंगे, और जो साथी हमारा नहीं चल सकता पैदल तो नेलो कार्यकर्ता भी चले थे। कहाँ चले थे नेलो कार्यकर्ता? नहीं, वो गांव में उतर, गांव में पैदल चलते थे, वो गांव में जब गांव आ जाते थे गांव में उतर जाते थे गाड़ी से। आप जहाँ से यात्रा शुरू करेंगे वहाँ एंड तक पैदल जाएंगे या आप ही गाँव? नहीं, हम पैदल पैदल जाएंगे। जैसे आदरणीय हमारे अनुराग डांडा जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी, निर्मल सिंह, जैसे आदरणीय हमारे प्रधान है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उनका एज के हिसाब से चलने का थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, बाकी सब हम साथी पैदल चलेंगे। तो यात्रा से क्या परिवर्तन मान के चले कि 2024 में क्या परिवर्तन देखें? परिवर्तन 100% परिवर्तन होने जा रहा है हरियाणा में। जैसे लोग पंजाब में कहते थे आम आदमी पार्टी ना तो किसी सर्वे में आती है ना किसी मीडिया के हिसाब से आती है, आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे काम करती है, आम आदमी पार्टी का एकदम संगठन तैयार हो गया पूरे प्रदेश में। हरियाणा में 100% आम आदमी पार्टी पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। वो संविधान को बचाने के लिए, जैसे मोदी जी ने लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास शुरू कर रखे हैं, जो भी नेता अपोजिशन का बोलता है उसके पीछे ईडी सीबी लगा दी जाती है, और जिन लोगों ने कोई लूट करी है वो सरेंडर कर देते हैं। हम गर्व से कहते ना कि हमने सत्ता में रह के लूट करी, चाहे आदरणीय हमारे सतेंद्र जैन जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे संजय सिंह जी हों, चाहे हमारे सुप्रीमो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, आजकल उनके पीछे भी ईडी लगी हुई है, चाहे उनको जेल जाना पड़े, आम आदमी पार्टी का नेता कोई सरेंडर नहीं करेगा। रोजगार की आपने बात की सर, 7 लाख पंजाब में आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, क्या वहाँ रोजगार मिले हैं लोगों को? हम ये भी बात गर्व से कह सकते हैं, हमने बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है। हमारे आदरणीय सरदार भगवंत सिंह मान एक ऐसे देश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 1.5 साल में 37,000 सरकारी जॉब लोगों को ज्वाइन करा दी नौकरी, 14,000 कच्चे कर्मचारी जो पिछले 15 साल से डंडे खा रहे थे अकाली और कांग्रेसियों के, उनको 14,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो पिछले दिनों पंजाब से भी एक शख्स आया था सिरसा में, एसटेट एग्जाम देने आया था, बता रहा था कि पंजाब सरकार ने नौकरी नहीं दी, सब कुछ किया था उसके बावजूद यहाँ एसटेट का एग्जाम देने आए हैं। नहीं, ऐसे तो देखो मेरिट पे नौकरी मिल रही है पंजाब में, ऐसे तो रोजगार हर एक जो पढ़े लिखे नौजवान उसको रोजगार चाहिए, सीमित रोजगार होते हैं, और सीमित रोजगार सबसे बड़ी बात जो है, जो पहला मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान है जिन्होंने मेरिट पे नौकरी दी है। हमारे पास पूरे हरियाणा से बच्चे आते हैं, बट्टू तक चूड़ी बागड़ियाँ दूर दूर से बच्चे बदली करवाने के लिए आते हैं, सैकड़ों बच्चे हमारे हरियाणा के वहाँ सिलेक्ट हुए हैं, तहसीलदार तक करके बच्चे हमारे सिलेक्शन होगी पंजाब में, सब इंस्पेक्टर हमारे हरियाणा के बच्चे लगे हैं, एक एक गांव के 6 बच्चे 9 बच्चे 3 बच्चे 2 बच्चे तो मेरिट के आधार पर, कई साथी नहीं मेरिट में आते तो वो दूसरे प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो मान के चले आम आदमी पार्टी 2024 के लिए तैयार है? आम आदमी पार्टी 100% 2024 के चुनाव के लिए तैयार है, और 90 की 90 विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है वो शीर्ष नेतृत्व हमारा जैसे भी तय करेगा उस हिसाब से हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इसको बीजेपी के सरकार को उखाड़ने का काम। 5 राज्यों में जो चुनाव नतीजे आए हैं वो मोदी की गारंटी, जैसे मोदी जी कहते हैं वो साबित हुई है, आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, कहाँ साबित हुई है, लोग तो परेशान थे इनसे। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत, वोट शेयरिंग देख लो, वोट कितनी भाजपा को मिली कितनी कांग्रेस को, लोग इतने परेशान थे फिर भी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव बना गई सर। देखो कुछ कमियां रही होंगी जो मुख्य सत्ता में, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस मार खा गई, मध्य प्रदेश में इन्होंने पिछले दिनों में तोड़फोड़ की और पैसे का दल प्रयोग कराया, बल प्रयोग किया, सरकार की तानाशाही को लेकर चुनाव जो के हिसाब से इन्होंने चुनाव जीतने का बेईमानी से चुनाव जीतने का खड़ा किया मध्य प्रदेश में, और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में,
छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की वही आपसी, जगह जगह कांग्रेस की फूट है। हमारी पार्टी तो वहाँ अपनी एक उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए गई थी, चुनाव हमारी पार्टी ने वहाँ नहीं लड़ा।